नया टैक्स कैसे काम करेगा, ये मौजूदा टैक्स से कैसे अलग होगा, यानी आसान भाषा में जीएसटी। मान लीजिए रेडीमेड कपड़े की एक दुकान पर आपको ये ड्रेस पसंद आती है जिसकी कीमत है 208 रुपए 23 पैसे, लेकिन जीएसटी लागू हो जाने के बाद ये ड्रेस 166 रुपए की हो जाएगी, यानी 42 रुपए 23 पैसे सस्ती। ये कैसे होगा आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात मौजूदा टैक्स सिस्टम की। मान लीजिए ड्रेस को बनाने वाले निर्माता ने इसका कच्चा माल 100 रुपए में खरीदा, जिसमें 10 रुपए टैक्स के भी शामिल हैं। कच्चे माल से ड्रेस तैयार हो गई, निर्माता ने इसमें 30 रुपए अपनी लागत के जोड़े। अब इस ड्रेस की कीमत हो गई 130 रुपए। अब वो इसे थोक व्यापारी को बेचता है जिसमें वो 10% टैक्स यानी 13 रुपए लेता है। थोक व्यापारी को ये ड्रेस 143 रुपए की मिलेगी। थोक व्यापारी ने इसमें अपना 20 रुपए का मार्जिन जोड़ा। अब इसकी कीमत 163 रुपए हो गई। अब वो इसे खुदरा व्यापारी को बेचता है जिसमें वो 10% टैक्स यानी 16 रुपए 30 पैसे लेता है। यानी खुदरा व्यापारी को ये ड्रेस 179 रुपए 30 पैसे में मिली। खुदरा व्यापारी इसमें अपना 10 रुपए का मार्जिन जोड़ता है, जिससे ड्रेस की कीमत 189 रुपए 30 पैसे हो जाती है। अब खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को बेचता है जिसमें वो 10% टैक्स यानी 18 रुपए 93 पैसे लेता है। यानी ग्राहक को ये ड्रेस 208 रुपए 23 पैसे में मिलती है। कुल मिलाकर अलग अलग स्तर पर 58 रुपए 23 पैसे का टैक्स लगा। यानी मौजूदा टैक्स व्यवस्था में टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। पहले दिए गए टैक्स बाद में लगने वाले टैक्स से घटा दिए जाएंगे। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। फिर से उसी ड्रेस की बात करते हैं। निर्माता ने 100 रुपए में कच्चा माल खरीदा जिसमें 10 रुपए टैक्स के शामिल है। ड्रेस तैयार होने के बाद निर्माता ने लागत के रूप में 30 रुपए इसमें जोड़े, जिसके बाद ड्रेस की कीमत 130 रुपए हो गई। अब यहीं से जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद का फर्क समझिए। जीएसटी से पहले इस पर 10% यानी 13 रुपए का टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी के बाद टैक्स के इस 13 रुपए में से कच्चे माल पर लगे टैक्स के 10 रुपयों को घटा दिया जाएगा। यानी इस पर टैक्स लगा 3 रुपए का, जो कि ग्राहक देगा। तो जीएसटी से पहले थोक व्यापारी को ये ड्रेस 143 रुपए में मिली, लेकिन जीएसटी के बाद उसे ये 130 रुपए में मिलेगी। अब थोक व्यापारी ने इस पर अपना 20 रुपए का मार्जिन जोड़ा। यानी जीएसटी से पहले ड्रेस की कीमत 163 रुपए हो गई, जबकि जीएसटी के बाद 150 रुपए होगी। अब खुदरा व्यापारी को बेचते वक्त इस पर 10% टैक्स जोड़ते हैं। जीएसटी से पहले इसमें टैक्स के 16 रुपए 30 पैसे जुड़ेंगे, यानी कीमत होगी 179 रुपए 30 पैसे, जबकि जीएसटी के बाद टैक्स के 15 रुपए में पिछले दिए गए टैक्स 13 रुपए को घटा दिया जाएगा। यानी टैक्स हुआ 2 रुपए, जो ग्राहक देगा। अब खुदरा व्यापारी इसमें अपना 10 रुपए का मार्जिन जोड़ता है। जीएसटी से पहले ड्रेस 189 रुपए 30 पैसे की होगी, जबकि जीएसटी के बाद 160 रुपए की होगी। अब ग्राहक को बेचते वक्त इस पर फिर 10% टैक्स लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी से पहले 18 रुपए 93 पैसे और टैक्स लगा, जबकि जीएसटी के बाद 16 रुपए टैक्स से पिछले दिए गए टैक्स के 15 रुपए घटा दिए जाएंगे। यानी 1 रुपए टैक्स ये ग्राहक देगा। जीएसटी से पहले ड्रेस पर कुल टैक्स दिया गया 58 रुपए 23 पैसे, जबकि जीएसटी के बाद टैक्स दिया गया सिर्फ 16 रुपए। नतीजा ये हुआ कि ग्राहक को जो ड्रेस जीएसटी से पहले 208 रुपए 23 पैसे में मिली, वो जीएसटी के बाद 166 रुपए में मिलेगी। तो इस तरह जीएसटी के बाद ये ड्रेस 42 रुपए 23 पैसे सस्ती हो गई। क्या आप जानते हैं कि जीएसटी के तहत कोई व्यापारी टैक्स की चोरी करे तो क्या होगा?